आइए हजरात तमाम अहले हदब कारवाने इल्म उदब के रईस मखज़न इल्म उदब फ़िक्र के दरिया यहाँ मौजूद हैं। शुराए कराम की कंदील सज चुकी है, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होंगी। लम्हा मसर्रतों का है साथ खुशी की है, लम्हा मसर्रतों का है साथ खुशी की है, पढ़ते रहो दरूद फ़ज़ा बंदगी की है। आया है कायनात में जाने हयात कौन, सहरा में बहरगाह सजी जिंदगी के है। अजमत के आसमान पे उभरा है एक चांद, चादर सी एक जमीन पे बिछी चांदनी की है। आइए शोराए कराम की जानिब से यही पैगाम होगा कि ले आओ आसमान से मिधत की आयतें, ले आओ आसमान से मिधत की आयतें, जिब्रील आज बात मेरी शायरी की है। आइए शोराए कराम यहाँ पे हैं, तीर हमारे बीच चूँकि छम्मन भाई मौजूद हैं, पूरी दुनिया में ये नश होगा हमारे भाई एक नया विरासत का वली खतीब सदाकत बुलबुल गुलजार हुसैनी मखज़ने इल्म उदब फ़िक्र के दरिया जनाब नसीर आदमी साहब की बेपनाह मोहब्बत शफकत इशार क़ुरबानी और उनका उदास रात लुटे काफ़िले कटे बाजू नज़र मरन का वो मंज़र उतार लाते हैं, यानी मंज़र साहब भी तशरीफ़ रखते हैं। चाहत के पुरसरार जजीरों से न गुजरो, वो खूम न है वे मंजर की तरह है। जहाँ दर्द है कर्व है इस्तराब है आहो फगाने सोजा है, लेकिन किंदील अतश शाम के सीने पे जलाकर रात की तारीकी में पलकों की नर्म झाला पर अपने कैमरे के अंदर सारी शायरी की मेराज को कैद करेंगे और वक्त गुजर जाएगा, सदियाँ गुजर जाएंगी लेकिन सदियों के में हादसाथ वाक़ात होंगे, लेकिन इनकी जो तस्वीरें हैं पूरी दुनिया देखेगी। हम ज़ैनबिया चैनल के और तमाम जो फ़ोटोग्राफ़र्स यहाँ मौजूद हैं अपनी तरफ से शोराए कराम की जानिब से, ख़ास तौर से शेर हिंदुस्तान छम्मन भाई की जानिब से, उनकी फ़ैमिली उनके बच्चों की जानिब से, तमाम शोराए कराम की जानिब से शुक्रिया अदा करते हुए ही गुजारिश करते हैं कि इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई। दो दिन की ज़िंदगी है तो दो दिन भी कम नहीं। इस महफिल का पैगाम क्या है, छम्मन भाई का पैगाम बनी सतह पर क्या है कि दो दिन की ज़िंदगी है तो दो दिन भी कम नहीं, दिल में जो हो खलूस तो फिर कोई गम नहीं, कीना हसद इनाद गुनाहे अजीम है, आपस का इत्तेहाद इबादत से कम नहीं। शिया सुन्नी न बनो साहबे ईमान बनो, वक्त देता है सदा सिर मुसलमान बनो। तीरगी मिलती है हमको रोशनी का, ये छम्मन भाई का पैगाम और इस महफिल का पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया जाए। तीरगी मिलती है हमको रोशनी के नाम पर, मौत की परछाइयां है जिंदगी के नाम पर, इससे पहले पीस डाले गर्दी से दौरा तुम्हें, एक हो जाओ मुसलमानों नबी के नाम पर अली के नाम पर एक हो जाओ। आइए इस पैगाम के साथ खतीब सदाकत मखज़ने इल्म उदब फ़िक्र के दरिया बुलबुले गुलजार हुसैनी इंसानियत के नज़र तामा अक़लीम ख़िदाबत के सुलेमा फ़ख्र कौम मिल्लत आली जनाब हैदर ज़ैदी साहब क़िबला हैदराबाद तशरीफ़ ला चुके हैं, हम दिल की गहराइयों से उनका खैर मकदम करते हैं, गुजारिश करते हैं कि तशरीफ़ लाएँ और तकरीर से हमारी नूरे महफिल में शरीक हों। हज़रत सलामुन अलैकुम। महफिल का आगाज़ बड़ा खूबसूरत हुआ, बड़ा मुतबर्रिक हुआ, बड़ा हसीन हुआ, पूरा माहौल बन चुका है। आफ्ताब निज़ामत हमारे बरादर बुज़ुर्ग जनाब नजीब इलाहाबादी साहब पहले दौर की निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, अब इसके बाद दूसरे दौर के मरहले में महफिल कदम रख रही है। मैं आप तमाम हजरात का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मोहतरम इज़्ज़त मआब ज़ुल्फ़िकार अली छम्मन साहब की नहीफ आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए यहाँ तक तशरीफ़ लाए और अपनी आमद से महफिल को रौनक बख्शी। हम उसी के साथ साथ अपनी बज़्म में आए हुए तमाम सरमस्ताने वलायत के तहे दिल से इस्तकबाल भी करते हैं, खैर मकदम भी करते हैं, मुबारकबाद भी पेश करते हैं। उसी के साथ साथ हम बहुत ही इफ्तिखार महसूस कर रहे हैं आज खतीब जश्न खिताबत का आफ्ताब अजीमुशान शख्सियत अली जनाब मौलाना सैयद आबिद बिरग्रामी साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। आप हज़रात से गुजारिश है उनके इस्तकबाल में नारे सलवात इशार फरमाएं। हाय दरी, उसी के साथ साथ मोहम्मद, उसी के साथ साथ हम इंतहाई फख्र महसूस कर रहे हैं आज हमारे दे
برادران بزرگان حجر اسلام المسلمین علی جناب سید فاروق علی تعالی صاحب قبلہ زنگی پوری جو ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم ان کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں۔ برادر بزرگ علی جناب مولانا سید سیف عباس نقوی صاحب قبلہ جو لکھنؤ کی انتہائی معروف ترین شخصیت ہیں، ہم آپ کا بھی استقبال کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ تمام علماء اعلام کا بھی ہم تہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں اور استقبال کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جیسا کہ نجیب بھائی نے اعلان کیا ہے، وقت بہت کم ہے اور ہمیں تمام شعراء کرام کو سننا ہے، اور اس کے قبل دو خطبہ ذوی الاحترام کے بیانات ہیں، لہذا ابتداءً میں درخواست گزار ہوں نجیب صاحب کے حکم کے مطابق خطیب اہل بیت علی جناب عزت مآب مولانا سید حیدر زیدی صاحب قبلہ سے کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں، اور فضائل مولا کائنات امیر المومنین غالب کل غالب حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام آپ حضرات کی خدمت پیش کریں، بلند ترین صلوات ارشاد فرمائیں۔ عزیزان گرامی، میں اپنے لیے اس بات کو اپنا اخلاقی اور ایمانی فرض سمجھتا ہوں کہ میں جناب ذوالفقار احمد صاحب چمن بھائی، مولانا عابد بلگرامی صاحب قبلہ اور شاعر میسم مخال میر محمد علی صاحب رضوی کا مولا کائنات کی بارگاہ میں شکر گزار رہوں کہ میری زندگی کی ایک بڑی خواہش کے دربار مولا کائنات میں ذکر کی سعادت مجھے حاصل ہو، ان کے وسیلے سے پوری ہو رہی ہے۔ تو میں وقت کی کمی کی تباہ سے دعا ایک ہی فقرے میں کروں گا کہ پروردگار انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الخرشی حبیب الہ العالمین اشرف المرسلین قاتم النبیین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد وعلى وارث علم النبيين حاكم يوم الدين رئيس العارفين سيد الوصيين قائد الغر المحجلين قاتل الكفار والمشركين خاطئ الناكسين والقاسطين مصداق كل شيء حسيناه في امام مبين الشجاع الغضنفر خاصم طوبى وصخر ميزان الاعمال میزان الاعمال مخلب الاحوال وجه اللہ الذی من آمنا به امنا نفس اللہ الخائمہ اذن اللہ الواعیہ عین اللہ الناظرہ حجت اللہ البالغہ الامام نجم الصاخب امام المشارق والمغارب مظہر العجائب و مظہر الغرائب الذی حبہ فرض علی الحاضر والغائب اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب مولانا و مولا الکونین امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ واہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال الله تبارك وتعالى في
في كتابه المقدس المبارك بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر صلوات الشافعين اعزاز نگرامی آپ تمام حضرات وہ ہیں کہ جو در شہزادی کونین پر ہمیشہ سجدہ ریز رہتے ہیں اس لیے مجھے کسی تشریح اور تفسیر کی نہ حاجت ہے نہ ضرورت ہے اور نہ ہی موقع ہے کم سے کم وقت میں آپ کے زحمتوں کو تمام کرنا ہے تو آپ کے اذہان عالی کے لیے تھوڑی سی زحمت ہے میں توجہ چاہوں گا کیونکہ سننے والوں کی توجہ تو رہتی ہی ہیں جن کا میں مشکور رہتا ہوں لیکن یہ کہ یہ آئے مبارکہ جو اہل بیت کے چاہنے والے علی کے غلاموں کے درمیان آئے اولی الامر کے نام سے جانی جاتی ہے تو یہ ایک ایسی مخصوص آیت ہے کہ اس میں پروردگار عالم نے پورے اصول دین کو جمع کر دیا ایک ہی آیت میں اگر اصول دین دیکھنا ہو تو اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کرے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ توحید اور عدل اطاعت الہی میں ہے نبوت اطاعت نبوت میں ہے امامت اطاعت اولی الامر میں ہے اور آخر میں قیامت کا ذکر ہے کہ اگر تم کو اللہ اور قیامت پر اعتبار ہو بھروسہ ہو اس آیہ مبارکہ کی تفصیل میں مجھے جانا نہیں ہے مجھے اولی الامر کے لفظ سے استفادہ کرنا ہے اور زحمت تمام اس لیے کہ یہ شب وہ شب ہے کہ جس شب کے بعد صبح کا آغاز ہوگا تو یہ کائنات اولی الامر اول کی زیارت سے مشرف ہوگا موضوع تو بہرحال نام علی ہے تو اس موضوع کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے ہمیں اپنے وقت میں اپنے اعتبار سے اپنی گفتگو کو تمام کرنا پڑتا ہے ختم کرنا پڑتا ہے موضوع کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے کیونکہ نام علی ہی موضوع تو اولی الامر اور امر میں اتصال جو ہے یہی میری چھوٹی سی مختصر سی تقریر کا موضوع ہوگا اولی الامر اور اتصال اولی الامر کہ امر اور اولی الامر میں کتنا اتصال اور کیسا اتصال ہو سکتا ہے میں بس اتنا بتا دوں آپ کو کہ پروردگار عالم نے 13 رجب کی صبح بنام علی اپنے نور کو اپنے گھر میں نازل فرمایا اللہ نے بنام علی اپنے نور کو اپنے گھر میں نازل فرمایا اور علی کیوں آئے میں بہت ہی جامع کر کے ایک فقرے میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں علی اس دنیا میں آئے ان کے بھیجے جانے کا ان کے آنے کا مقصد تھا کہ اللہ کو بندوں تک پہنچائیں بندوں کو اللہ تک پہنچائیں پوری دنیا کو علی سے بغض اسی بنیاد پر رہا پوری دنیا علی کے کردار کی تعریف کرتی ہے علی کی توصیف کرتی ہے علم کی خائل ہے شجاعت کی خائل ہے سخاوت کی خائل ہے انہیں صرف بغض اس لیے تھا کہ علی نے عبد و معبود کے رشتے کو اتنا مضبوط کر دیا کہ اب قیامت تک کوئی توڑ نہیں سکتا زندگی کا مشن یہی تھا علی کہ عبد اور معبود کے رشتے کو بنائے رکھیں علی آئے اسی لیے تھے اور اسی یہی میرا موضوع بھی ہے کہ امر اور اولی الامر مولا کائنات نے بھی خود یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں اللہ تک پہنچنے کی میں جہت ہوں میں راستہ ہوں میں واسطہ ہوں میرے بغیر نہ کوئی اللہ تک جا سکتا ہے نہ کوئی اللہ کی نعمت میرے بغیر تم تک آ سکتی ہے خود مولا نے کہا ہے یہ بات کس طرح سے امر اور اولی الامر کا اتصال ہوتا ہے میں آپ کے سامنے بے شمار مثالیں بے شمار واقعات ہیں آفتاب کے پلٹنے کا واقعہ بھی ہے مردے کو زندہ کرنے کا بھی واقعہ ہے لوگ مردے کو زندہ کو تو مردہ کر دیتے ہیں لیکن کمال یہ ہے کہ زندہ کو مردہ کر دیا جائے جو سانس لے رہا ہو قتل کرنا الگ بات ہے کسی اور وجہ سے لیکن کچھ کیے بغیر یہ ہے ارادت اللہ ہونا امر اور اولی الامر اگر انسان امر ہے روح امر ہے تو علی اولی الامر ہے تو اولی الامر کو امر پر اولی الامر کے معنی علماء حضرت
जरूरत नहीं कर रहा हूँ, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि उलिल अम्र के माने ये है कि अम्र इलाही पर हुकूमत करने वाला, अम्र इलाही पर जो हाकिम हो उसे उलिल अम्र कहते हैं। अब अगर जिस्म अम्र इलाही है, रूह अम्र इलाही है, तो अली ने बताया कि इत्तेसाल उस हद तक भी आ सकता है अम्र और उलिल अम्र के लिए। उलिल अम्र जब हुक्म दे तो अम्र उसकी इताअत करे, तो इस हुक्म देने के लिए कभी जबान से कहना पड़ता है, कभी इशारा करना पड़ता है। लेकिन अली ने यह भी बताया कि कल को कोई अली को ये न समझे कि अली उलिल अम्र पे हुकूमत जताने के लिए नातिखे का मोहताज है। अम्र पर हुकूमत जताने के लिए अली इशारे का मोहताज है। तो अली को अम्र पर अपने आप को उलिल अम्र साबित करने के लिए ना नातखे की एहतियाज है ना इशारे की एहतियाज है। अली का इरादा अम्र को इताअत पर मजबूर कर देता है। जब अली एक जिंदे की नमाज पढ़ाने के लिए ठहरे तो वो जिंदा अम्र था, अली उलिल अम्र थे। कोई तारीख ये नहीं बताती कि अली ने हुक्म दिया हो कि तू मुर्दा हो जा, कोई तारीख ये नहीं बताती कि अली ने इशारा किया हो तो मुर्दा हो जा, अली ने अल्लाह अकबर कहा वो मुर्दा हो गया। अली का इरादा ही अम्र पर हुक्म जिताने के लिए काफी है, वो इरादा का। ये तो जमाने को बताने के लिए, हमारे जहनों तक पयाम पहुंचने के लिए, मारिफत के लिए कभी इशारा भी किया, कभी हुक्म भी दिया मौला कायनात ने। एक मौका, एक मंजिल वो भी आई कि जिस जो घड़ी बहुत खरीब आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, उसी से मरबूत मेरा जिक्र है कि जब शहजादी फातिमा बिनत असद सलामुल्लाह अलैहा दौलत कदे जनाब अबू तालिब से बरामद हुई। अब यहाँ की भी एक बड़ी तफसील है, मौका तफसील का नहीं है, मैं सिर्फ इशारों में गुफ्तगू करूँगा, आपसे तवज्जो की का तालिब रहूँगा, आपसे तवज्जोहात का मैं मोहताज रहूँगा। थोड़ी सी तवज्जो फरमाएं आप कि ये रास्ते मारिफत के रास्ते हैं। शहजादी अपने घर से बरामद हुई, दुनिया वाले रसूलुल्लाह को अपने जैसा कहने लगे, ये तो शहजादी फातिमा बिनत असद है। लिखने वालों ने लिखा भी, मुझे पता नहीं, पढ़ने वाले पढ़ते भी हैं कि शहजादी जब घर से इस आलम में, जबकि नूर को जाहिर, तो शहजादी के अहले बैत के घराने की बीवियों में और हमारी औरतों में ये बुनियादी फ़र्क और ज़मीन आसमान का फ़र्क यही है कि किसी बच्चे की विलादत के वक्त जो कैफियत हमारी बीवियों की होती है वो उन घराने में नहीं होती है बिल्कुल। ये पूरी तारीख़ एक हकीकत है, मुझे उसमें जाना नहीं। लेकिन जब शहजादी को हुक्म इलाही हुआ कि घर से चल के अल्लाह के घर तक जाएं, तो शहजादी अल्लाह के घर तक आईं। पूरा वाक़ा नहीं पढ़ना, इत्तेसाल अम्र और उलिल अम्र आपके जहन में रहे। शहजादी आई, काबे का एक चक्कर लगाया, देखा दरवाज़ा बंद है। तो वो मकाम के जहां आज भी निशान है दीवार में दर बन जाने का, शहजादी उसके सामने आके ठहर गई। अब ठहरने के बाद शहजादी का लफ्ज़ अल्फाज मुलाहिज़ा फरमाएं और समझें कि उलिल अम्र और अम्र का इत्तेसाल क्या है। शहजादी ने आके बारगाह इलाही में कहा, परवरदिगार तुझे वास्ता उस नूर का जिसका मैं तहम्मुल की हुई हूँ, मेरी मुश्किल को आसान कर दे। ये वो माँ है जिसने अपने बेटे के जाहिर होने से पहले बेटे को मुश्किल कुशा साबित कर दिया। अब लिखने वाले लिखते रहें, पढ़ने वाले पढ़ते रहें कि शहजादी का क्या आलम था। कोई किसी ने कहा मुश्किल के माने यह है कि फातिमा तकलीफ में थी, माज़ल्ला, मुश्किल के माने यह है कि परेशान थी। अली की माँ हैं ना परेशान होती हैं ना घबराती हैं। अब मसला क्या था? मसला ये था कि काबे में जाना है और दरवाज़ा है बंद, जाएं तो, ये मसला था, इसके लिए दुआ की। अब जो दुआ की तो मैं तवज्जो चाहूँगा इत्तेसाल अम्र और उलिल अम्र के लिए। मौलाए कायनात की ज़ात उलिल अम्र है, अभी जाहिर नहीं हुई, काबा अम्र इलाही है।
मखलूकात अमर काबा अम्र इलाही है, अली उलिल अमर है। अगर अली की माँ उलिल अमर का वास्ता दे तो बहैसियत अम्र इलाही काबे पर इताअत वाजिब है। काबे ने दीवार में दर बना के इताअत का वास्ता दिया। अब अगर मानना पड़ेगा, अब अगर काबा अम्र है तो उसने इताअत करके बता दिया कि अभी उलिल अम्र जाहिर नहीं हुआ है, दुनिया में आया नहीं, मगर हुक्म उसका है, मुझ पर इताअत वाजिब है, तो पता चला कि अल्लाह का घर है, काबा है, लेकिन इताअत में अली की है। इताअत में अली, तो पता चला अली उस वजूद का नाम है जिसके अलखाब बहुत हैं, बेशुमार हैं, उनमें एक ये भी हाकिमे काबे को अली कहते हैं। काबा महकूम है, अली हाकिम है। अब यही वो मंजिल है, मैं अपनी तकरीर के आखिरी हिस्से पे आ रहा हूँ थोड़ी सी तवज्जो के साथ आपकी, कि यही वो मंजिल इत्तेसाल और उलिल अम्र का, और इसी से रब्त अल्लाह और बंदे का। मैंने आगाज़ ही में कहा कि अली आए उस दुनिया में इसलिए कि अल्लाह को बंदों तक पहुँचाएँ, बंदों को अल्लाह तक पहुँचाएँ। वास्ता बगैर वास्ते के अल्लाह तक न कोई जा सकता है, ना अल्लाह की कोई नेमत हम तक आ सकती है। तो अल्लाह को हम तक पहुंचाने वाला अली है, अल्लाह की नेमतें पहुंचाने वाला अली है, और हमारी मुरादों को अल्लाह तक पहुंचाने वाला अली। वहदानियत को पहुंचाना अली की ज़िंदगी का मकसद था, वास्ता था। अब अली के बग़ैर कुछ नहीं हो सकता, यही ज़हन में रखे। और वालिद मोहतरम आफ्ताब दक्कन अल्लामा अख्तर ज़ैली साहब क़िबला आलल्लाह मक़ामों का एक बन और उसकी बयत, और उसी से मरबूत मेरा ज़िक्र है, और मेरी जो तकरीर का कंक्लूजन जिसे कहें आप, मेरी तकरीर का पूरा हासिल कहें, वो यहीं पर है। आपकी ज़हमतें तमाम हैं चंद लम्हों में। वो कहते हैं कि एक सलवात इशाद फरमाया हज़रात आवाज़ बदन, तवज्जो दरे थोड़ी सी तवज्जो नज़ीर भाई, दरे हैदर से शरीयत का पता मिलता है, दरे हैदर से शरीयत का पता मिलता है, मांगने वालों को पैगाम बखा मिलता है, उसके दरबार से मत पूछिए क्या मिलता है, जिसको मिल जाए अली उसको खुदा मिलता है। इसकी बैत मुलादा फरमा, जिसको मिल दरे हैदर से शरीयत का पता मिलता है, मांगने वालों को पैगाम बखा मिलता है, उसके दरबार से मत पूछिए क्या मिलता है, जिसको मिल जाए अली उसको खुदा मिलता है। ऐसा बंदा है जिसे लम यजली कहते हैं, ऐसा बंदा है जिसे लम यजली कहते हैं, अब्दो माबूद के रिश्ते को अली कहते हैं। बस थोड़ी, दरे हैदर से शरीयत का पता मिलता है, मांगने वालों को पैगाम बखा मिलता है, उसके दरबार से मत पूछिए क्या मिलता है, जिसको मिल जाए अली उसको खुदा मिलता है। ऐसा बंदा है जिसे लम यजली कहते हैं, अब्दो माबूद के रिश्ते को अली कहते हैं। अब यही बात आपके जहन में रहे, मेरी पूरी इस तकरीर का खुलासा यही है, अब्दो माबूद के रिश्ते को अली कहते हैं। ये रिश्ता कहाँ नज़र आया,
कैसे नजर आया। एतबार मफहूम तो अली ने साबित भी कर दिया, और फुस्तो बे रब्बिल काबा दलील है इस बात की कि अली ने बंदों के दिलों में माबूदियत को रासिख कर दिया। यही कामयाबी यही बात आपके जहन अली में रहे। अब्द व माबूद का रिश्ता, अब अली ना होते तो ना आज अब्द होता ना अब्दियत होती। माबूदियत को अब तक पहुंचाना अली का मकसद था। अब एक मैं चाहता था कि एक मंजर भी नज़र आए कि आखिर अब्द और माबूद के दरमियान अली रिश्ता कैसे बन के मौजूद हैं, किस तरह से। एतबार मफहूम तो तय है कि अली ना होते तो रिश्ता ही ना होता, अली ना होते तो अब्द व माबूद के दरमियान का जो रब्त है, जो राबिता है हमारा, जो अल्लाह से एक तरह से मरबूत होना है, ये होता ही नहीं अगर अली ना होते। ये तो तय है अपने आप में। ये बात, इसका ताल्लुक फ़िक्र से, जहन से, दिलो दिमाग से, अकीदे से, मोहब्बतों से है। अल्लाह से मोहब्बत है तो सब कुछ है, नबी से मोहब्बत है तो सब कुछ है, अली से मोहब्बत है तो सब कुछ, सारी चीज़ें तय हैं, सब कुछ उन्होंने ही किया। लेकिन एक मंज़र भी तो नज़र आए, एक ज़ाहरी मंज़र तो नज़र आए कि आखिर अली अब्द और माबूद के दरमियान रिश्ता बन के कैसे मौजूद हैं। तो बड़ा गौर किया, हर जगह देखा, मस्जिदों में देखा, मैदान में देखा, घर में देखा, खिलवत में देखा, जलवत में देखा, कहीं भी ये मंज़र नज़र नहीं आया। तो ये मंज़र ज़मीनों पर नज़र नहीं आएगा, ये मंज़र ज़मीनों पर नज़र नहीं आया, ये मंज़र आसमानों में भी नज़र नहीं आया, अव्वल से लेकर सातवें आसमान तक भी नज़र नहीं आया, अर्श उला पर भी नज़र नहीं आया। अब जो गौर किया तो ख़ाबा हौसैन की मंजिल थी, तवज्जो चाहूँगा मैं, तवज्जो, ख़ाबा हौसैन की मंजिल थी, अल्लाह का नबी, अल्लाह का महबूब सजदे में था, आवाज़ गैब आई, अय मेरे हबीब मैं तुझे किस नाम से पुकारूँ, मैं तुझे क्या कह के पुकारूँ। तो पैगंबर ने, नबी ने जवाब दिया। अब सुने आप कितने नाम हैं नबी के, कितने सितारों की तादाद से ज्यादा अपना अपने नाम रखने वाला, जर्राते कायनात से ज्यादा अपने अलखाब रखने वाले ने मुंतखिब किया अपने लिए नाम अब्द को, का परवरदिगार तू मुझे अब्द कह के पुकार, है ना। नबी ने कहा अब्द कह के पुकार, माबूद कह रहा किस नाम से पुकारूं, नबी कह रहे हैं अब्द कह के पुकार। अब यहां वो मंजर नजर आया कि माबूद भी है, अब्द भी है, राबता अली कैसे हैं। नबी ने खुद कहा कि मैंने मेराज में अल्लाह ने मुझसे अली के लहजे में गुफ्तगू की। अब जो कुछ अल्लाह कह रहा है अली के जरिए कह रहा है, अली की जबान से कह रहा है, तो अब्द भी है, माबूद भी है, दरमियान में अली रिश्ता बने हुए हैं। तो समझ में आया कि अब्द और माबूद के रिश्ते को अली कहते हैं। अब वही औलिल अम्र, वही रिश्ता, वही राबता, वही जहत अब जाहिर होने को है। मैं उसी मंजर का जिक्र करके जहमत तमाम करता हूं कि तीन दिन लिखते हैं किताबों में, है भी हकीकत, अली तीन दिन अल्लाह के घर में मेहमान रहे। मैं ये कहता हूं कि घर बना जिसके लिए, आज वो घर आया है। घर बना जिसके लिए, आज वो घर आया है। तो अली अपने ही घर में रहे हैं, अली अपने ही घर में रहे हैं, दुनिया के लिए नाम खाने खुदा है, घर अली का है। तीन दिन उस घर में रहने के बाद जब बरामद हुए तो एक अजीब मंजर था। आगोश फातिमा बिनत असद शहजादी की आगोश में नूर अली है, इधर से शहजादी निकली, उधर से पैगंबर इस्लाम आए। मंजर ये था कि नबी अपने दोनों हाथों को फैलाए हुए आगे बढ़ रहे थे, ऐसे मालूम होता था कि जैसे नबी अपनी मुराद लेने के लिए जा रहे हैं।
अपनी ज़िंदगी का हासिल लेने के लिए जा रही है। ऐसे मालूम होता था कि नबी बेचैन हैं, उसे हासिल करें जिसका इंतज़ार इतने अरसे तक किया था पैगंबर ने। अपनी मुराद, अपने मकसद को हासिल करने के लिए आगे बढ़े। आगे बढ़े तो फ़ातिमा शहज़ादी फ़ातिमा बिनत असद ने यह कह के हवाले किया कि ऐ मोहम्मद, इस बच्चे ने आँखें नहीं खोली हैं, यहाँ तशरीह की ना ज़रूरत है और ना वक्त है कि आँखें क्यों नहीं खोली। मैं एक ही फ़िक्रा कहता हूँ, इसलिए नहीं खोली कि दुनिया में किसी मखलूक में इतनी ताब नहीं थी कि अली की आंखों के नूर को बर्दाश्त कर लेता। अली इधर अली मुंतजिर थे कि मेरे नूर का वो हिस्सा आ जाए जो ज़ाहरी तौर पर जुदा हुआ है, तो उसी के चेहरे को देखूंगा, उसी के चेहरे की ज़ियारत की जाएगी। अब वो मौका था कि आगोश रिसालत में आते ही इमामत ने आंखें खोली तो नबूवत इमामत को देख रही थी, इमामत नबूवत को देख रही थी। इसी मंजर को मोहम्मद अली वफ़ा ने पेश किया, मैं उसी पर ज़हमत तमाम करता हूँ कि दोनों की निगाहों में फुरख़त के गिले होंगे, तकमील तबस्सुम को फिर होंठ हिले होंगे, काबे से कोई पूछे उस वसल के मंजर को जब नूर के दो टुकड़े आपस में मिले होंगे। चैन या चैन दुनिया में मिले, राहत उख़बा मिल जाए, शिद्दत इश्क मिले, गम का सलीखा मिल जाए। कासए दिल लिए हाजिर हैं दरे दौलत पर, फातिमा आपकी औलाद का सदखा मिल जाए। सलवात बावाद बलंद।